इंदौर रेलवे स्टेशन पर उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब स्टेशन परिसर में आग लग गई। आग सुबह करीब 10 बजे स्टेशन पर बने दो नए प्लेटफॉर्म 5 और 6 की बिल्डिंग में लगी थी। हालांकि सुबह का समय होने के कारण परिसर में ज्यादा भीड़ नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं समय रहते दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर बढ़ती आग पर काबू पाया। कुछ महीनों पहले ही इंदौर रेलवे स्टेशन पर बने नए प्लेटफॉर्म 5-6 नंबर के वेटिंग रूम में आज सुबह आग लग गई। इस वेटिंग रूम के पास ही उपकरण कक्ष भी है, जहां बैटरी और कम्युनिकेशन रूम बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी कक्ष से अचानक आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई थी, जो देखते देखते वेटिंग रूम तक पहुंच गई थी, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया और आग को फैलने से रोक लिया। वहीं हादसे से किसी प्रकार की जनहानि होने की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि इससे जरूरी संसाधन और अन्य वस्तु जलकर खाक हो गई है। आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने की क्षति हुई है। टेलीफोन आया था कि रेलवे स्टेशन 5 नंबर प्लेटफार्म पे आग लगी है, ये कंप्यूटर वगैरह में बताया था। तो हम लोग यहाँ स्पॉट पे आए तो बाहर से देखा तो काफ़ी धुआं उठ रहा था, तो हम लोग तत्काल फायर एस्क्यू से भी लेके आए, 2-3 फायर एस्क्यू से हमने मारे उसके अंदर। पहले तो फायर एस्क्यू से आया कि आग ज़्यादा बड़ी हो गई थी, फिर तो मैंने वॉचपाइप लेके पानी वानी मार के बुझा लिया है। इलेक्ट्रिक इनका जो पैनल रूम है और इसमें एक दूरसंचार का भी पैनल रूम है इसके अंदर, तो सामान भी रखा है, स्टोर है स्टोर टाइप का, और आग बुझ गई है, कंट्रोल हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है। इलेक्ट्रिक में कोई फॉल्ट वगैरह हुआ होगा, इलेक्ट्रिक वगैरह कुछ ऐसा कुछ बंद, हमने पता लगा कि बंद था, ये कोई फला नहीं था, और इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ होगा, उसमें आग लगी, कंट्रोल हो गई है। वो ये है कि पीछे का गेट भी तक भी आग पहुंच गई थी, वो अंदर ही पहुंच जाती, जहाँ टिकट वगैरह भी देते हैं पब्लिक उसमें पहुंच जाती, तो बड़ा बड़ा आशा टल गया है,